नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, आज हमारा गला थोड़ा खराब है तो सॉरी। हमारी आज की कहानी है ये मेरा घर है। सुनैना अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकली थी कि गुरमी साहूकार ने रोक लिया। बहन, इस महीने का किराया? सुनैना सक पका गई। किराए का घर और रोज रोज गुरमी का आकर किराया मांगना उसे बहुत खलता था। उसने 400 के 7 नोट निकाले और बड़े बेमन से उसकी तरफ बढ़ा दिए। साहूकार झूमता हुआ आगे बढ़ गया। सुनैना सोच रही थी कब उसका अपना घर होगा और कब इस साहूकार से छुटकारा मिलेगा। सुनैना के घर पर उसकी माँ और 2 छोटे भाई थे। पिताजी एक हादसे में चल बसे थे। माँ को हमेशा सुनैना की शादी की चिंता सताती थी। उम्र भी अब 27 साल की हो गई थी। घर परिवार की जिम्मेदारी उठाते उठाते कब जवानी की दहलीज पार कर गई पता ही नहीं चला। दोनों भाई अब बड़े हो गए थे। दोनों ने नौकरी शुरू कर दी थी। आज सुनैना को देखने लड़के वाले आने वाले थे। माँ सुबह से ही पकवान बनाने में लगी हुई थी। राकेश एक अच्छे घर का सभ्य लड़का था। उसकी 2 बहनें थीं जो कि शादीशुदा थीं और एक बड़ा भाई जो साथ में ही कारोबार करता था। आज माँ चाहती थी कि सुनैना का रिश्ता हो जाए। राकेश का परिवार सही वक्त पर आ गए। सुनैना ने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे राकेश पसंद आ गया था। खुले विचारों वाला उसे उसकी नौकरी करने पर कोई एतराज नहीं था। राकेश को भी सुनैना पसंद आ गई थी। दोनों का रिश्ता तय हो गया था। अब बस सहनाई बजने की देर थी। 2 महीने बाद का मुहूर्त निकला और सुनैना अपने आंखों में नए सपने सजोए हुए ससुराल आ गई। कुछ महीने सब ठीक चलता रहा, पर अब राकेश और उसके परिवार का असली चेहरा दिखाई देने लगा। अब सासू माँ को सुबह पूरा बनाकर जाने वाली बहू चाहिए। बड़ी भाभी ज़्यादातर बीमार रहती थी तो वह कुछ काम नहीं करती थी। उनकी बेटी रानू को भी सासू माँ ही संभालती थी। अब राकेश भी सुनैना से नौकरी न करने के लिए जिद करने लगा था और घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहता। सुनैना भी पूरी कोशिश करती कि किसी को कोई मौका न मिले, पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती। लड़ाइयाँ बढ़ने लगी। राकेश ने एक दिन सुनैना से अपने घर जाने को बोल दिया। सुनैना ने पूछा, क्या यह मेरा घर नहीं है? राकेश ने साफ कह दिया कि यह मेरा घर है। यहाँ पर रहना है तो मेरे हिसाब से रहो, वरना जाओ अपने घर। सुनैना की आंखों में आंसू भर आए। रोते रोते वह अपने माँ के घर चली गई। माँ ने जब सारी बातें सुनी तो सुनैना को समझाया, बेटा अब वो ही तेरा घर है। राकेश ही तेरा सब कुछ है। ससुराल ही तेरा घर है। यह घर पराया है। तेरे भाइयों के लिए भी लड़की देख रखी है। उन्हें पता चलेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तुम कल राकेश से माफ़ी मांग लेना और अपनी नौकरी छोड़ दो। माँ का ऐसा जवाब सुनकर सुनैना अवाक रह गई। वह चुपचाप अपने पति के घर चली गई और राकेश से वादा किया कि कुछ दिनों में नौकरी से इस्तीफा दे देगी। अब वह सुबह सबका खाना बनाती और रात को आकर घर घर के काम करती। लेकिन उसने चुपके से एक BHK बुक कर दिया और अपनी सैलरी से उसकी किस्त कटवाने लगी। 2 साल बीत गए, भाभी भी आ गई, पर सुनैना अपनी माँ के घर नहीं गई। माँ बुलाती थी पर वो जाती नहीं थी। शायद उसे बहुत चोट लगी थी। अब उसका घर तैयार था और उसने उसका पोसेशन भी ले लिया। अब बड़ा फैसला लेने का वक्त आ चुका था। उसने राकेश से तलाक लेने का फैसला किया। राकेश को पेपर्स भेज दिए और खुद अपने घर में शिफ्ट हो गई। राकेश को ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो सुनैना से मिलने गया तो सुनैना ने बस इतना कहा कि यह मेरा घर है, ना मेरी माँ का
और ना मेरे पति का, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। शायद आपको याद होगा, आपने कहा था कि अपने घर जाओ। लो आ गई अपने घर, अब आपकी कोई जरूरत नहीं, आप स्वतंत्र हैं अपने घर में। राकेश अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चला गया। और सुने ना, आज अपने घर में बहुत खुश हैं। खुशी शायद हमारे अंदर ही होती है, हमें उसे बाहर निकालना होता है। यह मेरा घर है, उसी को दर्शाती है कि आप स्वावलंबी बने, अहंकारी नहीं। इसी विचार के साथ आप आगे बढ़ते रहे और जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल करते रहे। सुनैना ने तो अपना मुकाम हासिल कर लिया, आपका क्या इरादा है? सोचिए और मुझे बताइए। तब तक अलविदा, और पढ़ते रहिए ऐसी ही मनोरंजक कहानियाँ हमारे चैनल पर, और अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।